एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं चना दाल कद्दू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि बिना लहसुन प्याज के ही बनती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये कद्दू चना दाल छठ व्रत में जरूर बनाया जाता है, तो आप एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कद्दू चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 केजी कद्दू यानी कि लौकी, इसे हमने छील करके छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। साथ ही साथ हमने 1 कप चना दाल को पानी में भिगो करके आधे घंटे पहले ही छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब ये जल्दी से फूल जाते हैं ना, उसके बाद ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, इनको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चना दाल अच्छे से फूल गए हैं, अब इनको हम एक साइड कर लेते हैं। अब मैंने गैस ऑन करके प्रेशर कुकर चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है देसी घी 2 चम्मच। छठ व्रत में देसी घी से ही बनता है कद्दू चना दाल, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा यानी कि गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ फोरन। तो फोरन में मैंने लिया 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 2 तेजपात, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच अदरक क्रश किया हुआ। और अब हम अदरक को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अदरक अच्छे से भून चुका है। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल, और चना दाल को हम उलटते पुलटते हुए हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसका पानी है वो सूख जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हमें लगे थे और चना दाल अच्छे से भून चुका है। अब इसी के साथ इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। इलायची को हमने क्रश करके डाला है ताकि इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। और साथ ही साथ इसमें हमने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच, नमक हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का यूज किया है, आप जो भी नमक खाते हैं वो यूज कीजिएगा। अब हम सारे मसाले को स्लो गैस पर अच्छे से भून लेंगे चना दाल के साथ में। तो मसाले हमारे बढ़िया से परफेक्ट भून चुके हैं। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे लौकी, और लौकी को हम 1 से 1.5 मिनट तक चना दाल मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो करीब 1 मिनट तक हमने लौकी को भी भून लिया है मसालों के साथ में। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो जिस कप से हमने ये चना दाल डाला है उसी कप से हम डबल पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चना दाल लिया था, अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी को हम अच्छे से चना दाल लौकी में मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में कवर लगा देंगे, उसके बाद हम इनमें 4 व्हिसिल आने तक कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर में 4 व्हिसिल आ गए हैं और प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसके बाद हम इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे चना दाल और कद्दू परफेक्ट कुक हो गए हैं। अब इनको हम 1 चम्मच की हेल्प से इस तरह से दबाते हुए प्रेस करते हुए चना दाल और कद्दू को थोड़ा सा मैश लेंगे। इससे क्या हुआ कि कद्दू चना दाल अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है दबाते हुए। अब इनमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन में 1 चम्मच देसी घी डाला है और घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड किया है। जीरा और लाल मिर्च अच्छे से लाल हो गए हैं। इसके बाद हम चना दाल में इस तरह से तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने तड़के को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इनको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म कद्दू चना दाल बन करके तैयार हो गया है। ये छठ व्रत में जरूर बनाया जाता है, नहा खा के दिन ये प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और बहुत ही जल्दी से फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। आपको ये मेरी कद्दू चना दाल की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है, उसे आप ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.